मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश, पहाड़ी राज्यों पर पहुंचा पश्चिमी क्षोभ। पश्चिमी क्षोभ के प्रभाव से आज 2 नवंबर को जम्मू कश्मीर राज्य में आज श्रीनगर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, कारगिल, रामबन, राजौरी, पुंछ, मीरपुर में बारिश तथा बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश राज्य में भी आज चंबा, हमीरपुर, शिमला, कुल्लू, मनाली, सिरमौर, नाहन में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना रहेगी। उत्तराखंड राज्य के भी उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, केदारनाथ, गंगोत्री, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में हल्की बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तरी पंजाब और हरियाणा राज्य के भी कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां आज 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा राज्य में भी आज 2 नवंबर को मलकानगिरी, नवरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, गजपति, गंजाम, कंधमाल, बलांगीर, भुवनेश्वर, पुरी, जगदीश सिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। केरल व तमिलनाडु राज्य में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिणी कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के भी तटीय जिले श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, काकीनाडा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड राज्य में भी 2 नवंबर से बदलेगा मौसम, कई जिलों में 3 नवंबर को भी बारिश की संभावना। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में 2 नवंबर को गर्जना के साथ में हल्की बारिश की संभावना है। जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।